दस रुपए की पेप्सी नो कुछ भी बोल देते हैं लोग। चैनल गाना तो नहीं है लेकिन ये है ठग लाइफ वुमेन्स, पंजाबी लोगों का, किसान पंजाबी लोगों का, शायद बट हाँ फार्मर ठग लाइफ तो ये है ही। नाउ मिक्स भी हो सकता है, पंजाबी पीपल के नॉल्स भी देर और भी लोग हो सकते हैं। रिएक्शन स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो बिल्कुल वो मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए फॉलो कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना इस बड़े ज्यादा जरूरी। सो हम भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी कि कैसा होने वाला है ये स्टार्ट। बाहरों पैसा आउंदा इन्हां नूं, चीन तो पैसा आउंदा, चीन इन्हां दा फुफड़ लगा आ जिहड़ा चीन तो सानूं पैसे घलदा, इन्हां दी भूआ व्याही आ चीन च, भी सानूं पैसे घलूगी भी। दस रुपए दी पेप्सी नो कुछ भी बोल देते हैं लोग। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? गड्डी से। गड्डी से तो आए हो, कौन 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 से गांव से आए हो? गांधी। कौन से गांव से आए हो? और तुम लोग उन खूबसूरत प्राणी में कहाँ से? मुझे नहीं पता, बस क्लिक। सर क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह। कहाँ से हैं आप? कपूरथला डिस्ट्रिक्ट नडाला गांव। अच्छा अच्छा सर, आप कोई स्पोर्ट किए हैं क्या? नहीं, वैसे ही। अच्छा, ये कितना वजन आपका है? 170 किलो। 170 किलो? हाँ जी। एज मेरी है 45 साल। एज 45 साल? 45 साल। 5/5/1977 का जन्म है, आप हिसाब लगा लो कितने साल है। 1977। हाँ जी। तो अभी तो आपकी उम्र कम है और इतना अभी साल। कोई बात नहीं, रोटी पानी खाते हैं। कोई दिक्कत? कोई एक भी प्रॉब्लम नहीं? एक भी कोई प्रॉब्लम? कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 कितना किलो बताया? 70 किलो। 170 किलो काम करते हैं ना, बहुत बड़ा हो जाता है। ये तो किसान हो आप? किसान है। कुछ चलाते हो, फावड़ा वावड़ा कुछ? सब कुछ चलाते हैं। सब चलाते हो? एक हवाई जहाज नहीं चलाना आता, बाकी सब कुछ चलाना आता। हवाई जहाज ऐसे हो जाएगी, आप बैठोगे तो हवाई जहाज ऐसे हो जाएगी। नहीं, ट्रैक्टर चलाते हो? जी जी। नशेड़ी ने ऐदा ने, इन्हें तो कुछ नहीं होना है ना, बट वही नौजवान पीढ़ी खड़ी है ना। नशेड़ी हुण कुछ हुण खड़े थे ने चुकियां ने, आज ही बयान है प्रधान। वो एली मंगत थे ना, मुझे तो वही लगे। ओके करते हैं चौकीदार कोई चाह आला ही दस दे भी हां एक मैं कंटीन च चाह बनाउंदा सी ते मोदी पढ़न आउंदा सी। इनके जवाब में हम खरीदें गया शाने पंजाब का। अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा तो आप वहां जाके देखो, ये हर सवाल का जवाब ना बहुत तसल्ली से देते हैं। मैं भी वहां पे खड़ी थी ना, इनको वो नहीं हो रहा था कि ये यहाँ से अंदर चले जाएं और अवार्ड फंक्शन अटेंड करें, नहीं, बट बहुत सहजता के साथ ही वो स्टैंडिंग देयर और बड़ी तसल्ली से वो सवालों का जवाब दे रहे थे। तो आप प्लीज वो इंटरव्यू जाके भी चेक करना। इसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्रधानमंत्री खरीदेंगे? एकदम खरीदेंगे, आखिर अगर वो अंबानी अडानी के हाथ बिक सकता है तो हमारे हाथ बिकने में क्या शर्म है। राजनीति तिवारी जी का ही कोई बात नहीं, वेलकम। देखिए साथ ही हमारे वेलकम कर रहे हैं। पंजाब की बेटियों की ना जो जूतियां है ना, वो मेरे ख्याल से इतनी इतनी लंबी है, 12 नंबर का छेद पर आता है। चाचा मैं किसा इंजन करता क्या ना। हाँ जी बाबा, ठंड लगती है? किथे पुत्तर ठंड किथे लगती है? मोदी मोदी जी कहते हैं कि रंगले मेरे कपड़े, काला मेरा कम। झूठ बोलदा मैं फिर भगत कहन तन तन। हाँ, मक्की की रोटी भी आप तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं जट का जगाड़। सीएम कहना किसान आंदोलन करते चंगे नहीं लगते, खेत ही चंगे लगते। मंत्री कुड़ी दे फेरे दे इन्नू बने मेरे पिंड जा रहा, गालां नहीं कटनियां। A few moments later. ਜਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣ ਚੋ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਮੌਤ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ
ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ये ना उस टाइम पे जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था ना तभी वीडियो वायरल हुआ था ना इनका। ये शायद जो वो है सिख ऑर्गेनाइजेशन है ना, खालसा से रिलेटेड एक है, उसके ये हेड है या कुछ है जो बड़ा ख्याल रखते हैं कहीं पे भी कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट करनी हो खाने पीने को लेकर, काफी मदद जाती है। अब भी जो यूक्रेन में हो रहा है हम देख रहे हैं, मतलब मैं देख रही हूँ ये रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बहुत साथ देती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। जैसे हम देख रहे हैं वहाँ पे गुरु का लंगर हर तरफ चल रहा है, इस्कॉन टेम्पल्स हैं वो वहाँ यूक्रेन में ही, जो भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं वो वहाँ पे खाने का प्रबंध कर रहे हैं लोगों का, लंगर भंडारा सब चली जा रहा है, सब सेवा में जुड़े हुए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ऑलराइट, इसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स थे तो शायद मुझे तो मैं नहीं सुन सकती ऐसा वाला ओहो ये क्या बोल दिया। बाकी देयर वर सम सैवेज मोमेंट्स टू एंड या ऑल्दो जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो पे रिएक्शन किया था फार्मर प्रोटेस्ट और ठग लाइफ, वो ज्यादा सैवेज और वो थी ना। या दैट वाज माय रिएक्शन ऑन दिस वीडियो। आप लोगों का क्या कहना है प्लीज मुझे बताओ कमेंट्स में, आई वुड लव टू नो। सो या दैट वाज माय रिएक्शन ऑन दिस वीडियो, क्या कहना चाहोगे आप बताना कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना।